हाल ही में गूगल सर्च में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम टॉप 10 अपराधियों के लिस्ट में जोड़ने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इलाहाबाद के कोर्ट ने इस मामले में गूगल कंपनी को नोटिस जारी किया है और साथ ही गूगल के सीईओ लैरी पेक को तलब भी किया है। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक जंग छिड़ गई थी, जिसके बाद सुशील मिश्र नाम के एक शख्स ने याचिका दायर की थी। एक बार याचिका खारिज होने के बाद उनकी पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए जिला जज ने गूगल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट इस मामले की 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि गूगल ने पीएम मोदी को सर्च में वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिमिनल की सूची में डाल दिया था।